किसानों की कर्ज माफी, बिजली के आधे दाम और रोजगार जैसे विषयों को लेकर आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश एक कृषि पर आश्रित प्रदेश है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। पिछले 3-4 वर्षों से प्रदेश का किसान कम बारिश और बाढ़ के चलते फसलों का सही उत्पादन ना कर पाने और उचित दाम ना मिलने से कर्ज के बोझ तले दबकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है। सरकार के द्वारा पिछले चुनावों में कर्ज माफी की घोषणा की गई थी, पर 4.5 साल बीत जाने के बाद भी वह पूरी ना हुई, जिससे परेशान किसान आए दिन आत्महत्या कर रहा है। यही नहीं, प्रदेश में बिजली की दर भी अन्य प्रदेशों से काफी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में 25 लाख से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार हैं, पर उनके लिए सरकार के द्वारा रोजगार संबंधी दिशा निर्देश ना मिल पाने से देश का भविष्य युवा आज गलत रास्तों पर भटक रहा है। इन सारी समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर निराकरण की मांग की और मांगे पूरी ना होने पर प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन अनशन की बात कही। आम आदमी पार्टी रीवा आज यहाँ किसान के कर्ज माफी, युवा रोजगार गारंटी कानून यानी युवाओं को रोजगार दो नहीं तो भत्ता दो और बिजली के बिल आधा करो, ये 3 प्रमुख मुद्दों पे आज यहाँ ज्ञापन देने पहुंची है। हम ज्ञापन देके लगातार आंदोलन करते रहेंगे और 10 दिन का समय देंगे। पूरे प्रदेश में आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। 10 दिन के अंदर यदि ये मांगे नहीं मानी गई तो हमारे प्रदेश संयोजक श्री आलोक अग्रवाल 26 तारीख से भोपाल में आमरण अनशन पे बैठेंगे और पूरे प्रदेश से लोग, रीवा से भी हजारों की संख्या में लोग उस आंदोलन में भाग लेने जाएंगे। ये मध्य प्रदेश के भविष्य की, हमारे बच्चों के भविष्य की निर्णायक लड़ाई होगी, जिसमें पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी आर या पार के नारे के साथ उतरेगी कि या तो ये पिछले 4 साल का सारांश है भाजपा कार्यकाल का,